के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय सागर दौरे पर हैं। मंगलवार सुबह वे डीएनसीबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर कैंट में पहुंचे। यहां उनके शिक्षक और सहपाठी रहे, लोगों ने स्वागत किया। सीएम धामी स्कूल में पहुंचे तो उनकी छात्र जीवन की यादें ताजा हो गईं। वे अपने क्लासरूम में पहुंचे, विद्यार्थियों से भारत माता की जय कारे लगवाए। उन्होंने स्कूल की अटल ट्रैकिंग लैब का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यहां आकर मेरी बचपन की यादें ताजा हो गईं। बचपन के दिनों में जिस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, वहां आकर गुरुजनों और सहपाठियों से मुलाकात की, नए विद्यार्थियों से बात कर अच्छा लगा। बचपन के दिनों में पढ़ाई के दौरान इस विद्यालय से जो संस्कार मुझे मिले, उन्हीं संस्कारों के कारण आज मैं इस मुकाम पर हूं और जनता की सेवा कर पा रहा हूं। मुझे आगे बढ़ने में सागर की इस भूमि, विद्यालय, गुरुजन और सहपाठियों का मार्गदर्शन हमेशा मिला है। सागर की भूमि से मेरा गहरा लगाव है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के पिता सागर की महार रेजिमेंट में सूबेदार थे। वर्ष 1988-89 में 14 साल की उम्र में सीएम धामी ने डीएनसीबी स्कूल में कक्षा 8वीं में प्रवेश लिया था। उन्होंने कक्षा 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ाई की है। उस समय उनका नाम पुष्कर राजपूत था। धामी सर नेम नहीं लिखते थे। स्कूल के प्राचार्य आरएन त्रिपाठी ने बताया कि पुष्कर पढ़ने से होशियार और काफी अनुशासित छात्र थे। मैं अक्सर उनके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचता था। एक शिक्षक वाली संस्था के लिए इससे अधिक गौरव की बात क्या होगी कि उनके स्कूल का छात्र आज इतने ऊंचे पद को सुशोभित कर रहा है। सीएम धामी ने स्कूल के विद्यार्थियों से मुलाकात कर बात की। उन्होंने कहा कि समय निकल रहा है, वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए समय को पहचानो और सदुपयोग करो, अनुशासन सीखो और आगे बढ़ो। इसके अलावा सीएम ने स्कूल भवन का निरीक्षण किया। करीब एक घंटे स्कूल में रुकने के बाद वे रवाना हो गए। बचपन के दिनों में जो संस्कार मुझे इस विद्यालय से मिले, सागर की भूमि से मिले, उसी का आज ये मैं जो भी आज समाज की सेवा में, अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में जो कर पा रहा हूँ, उसमें इस भूमि का और यहाँ के इस विद्यालय का, यहाँ के गुरुजनों का, मित्रों का, सबका बहुत बड़ा सहयोग है।